Good morning students. So in this video we are going to start the next topic, versatile nature of carbon, and this is very very important. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कार्बन के बारे में देखा कि कार्बन एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, कहाँ से किस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, कार्बन के कंपाउंड्स देखी कि कार्बन के कंपाउंड्स क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, कार्बन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मैंने बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब कोई एटम क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करे, तब जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, वो भी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है। देखो, हमारे नेचर में एट प्रेजेंट दिस टाइम पे 5 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। यस, आज के टाइम पे भी मोर देन 5 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स एग्जिस्ट। इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स एग्जिस्ट कैसे हो रहे हैं, सिंस कार्बन तो हमारे सराउंडिंग में बहुत कम है, 0.03% इन एटमॉस्फेयर एंड 0.02% इन अर्थ, बट इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं, तो वही हमने देखना है। व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब है क्या, कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी है जो इसको इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, जिसकी वजह से इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आप लोगों ने देखे होंगे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी में क्या है, कार्बन कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम बोलते हैं, हाइड्रोजन और मेनली कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, व्हाई द कार्बन हैज अ वर्सेटाइल नेचर, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो मेनली दो प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन के अंदर जो वर्सेटाइल नेचर बनाती है कार्बन का। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटेनेशन। ठीक है, अब कैटेनेशन क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी। तो क्या है डेफिनेशन कैटेनेशन की, सो इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी और एलिमेंट में हमें नहीं दिखती। ठीक है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूनिक है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के पास ही है बेटा। क्या प्रॉपर्टी है, इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब है कि कार्बन एटम अपने साथ और कार्बन एटम्स को जोड़ता जाता है। सेल्फ लिंकिंग का मतलब है अपने आप ही कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक करता रहता है, चेन बनाता रहता है, और इसी यूनिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन कार्बन एटम में सेल्फ लिंकिंग होती रहेगी, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ कैसे जुड़ेगा, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता ही होगा कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सेल्फ लिंक हो रहा है तो वो कैसे होगा, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड बना के कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सेल्फ लिंकिंग करेगा, उसके बाद तीसरे कार्बन के साथ, उसके बाद चौथे कार्बन के साथ, और ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, और इससे क्या बनेगा, लॉन्ग चेन बनेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे चेन लॉन्ग चेन्स बन जाएंगे जस्ट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इज कैटेनेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो,
ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट, ये जो फर्स्ट आप डायग्राम देख रहे हो इसमें क्या है, कार्बन क्या कर रहा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन आइटम के साथ जुड़ रहा है, दूसरे तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और ये जुड़ कैसे रहे थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। तो एक कार्बन आइटम दूसरे कार्बन आइटम के साथ कोवलेंट बनाएगा, शेयरिंग करेगा, दूसरा तीसरे के साथ शेयरिंग करेगा, तीसरा चौथे के साथ, और ये चेन ऐसे चलते ही रहेंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये हमारी क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन। तो ये स्ट्रेट चेन बना सकता है, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग चेन बनाने का मतलब है स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, रिंग फॉर्म में भी चेन बना सकता है, मतलब रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर हो सकती है इसकी, ठीक है। स्ट्रेट चेन की फॉर्म में स्ट्रक्चर हो सकती है, ब्रांच की फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कार्बन है दूसरे कार्बन आइटम के साथ सेल्फ लिंक करता है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और वो बहुत बड़े बड़े चेन बनाता है। वो चेन आपका स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, वो चेन आपका ब्रांच चेन भी हो सकता है। ब्रांच चेन देखो, ठीक है। तो देखो यहां पे दूसरे कार्बन के साथ एक और कार्बन नीचे की तरफ लग गया, तो ये ब्रांच चेन हो गया, ठीक है। समझ लगी बात। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन अगर, तो ये चेन स्ट्रेट होगी तो उसे बोलेंगे स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम, दिस इज द स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो चेन ऐसे बन सकती है स्ट्रेट, दिस इज स्ट्रेट चेन। ब्रांच भी बन सकती है, मतलब ब्रांचिंग निकलेगी, मतलब किसी भी कार्बन के साथ ऊपर या नीचे और कार्बन एटम लग सकते हैं, ठीक है, इसे हम बोलेंगे ब्रांच चेन। ठीक है, ये आपका ब्रांच चेन, ब्रांच कार्बन चेन, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन हो सकता है, ब्रांच चेन हो सकता है, रिंग की फॉर्म में भी स्ट्रक्चर हो सकता है। रिंग की फॉर्म में कैसे होगा, सेल्फ लिंक कर रहा है दूसरा तीसरे के साथ, बट ये जो चेन है ये क्लोज है तो इसे रिंग बोलेंगे, ठीक है। जब चेन क्लोज हो जाती है बेटा तो उसे रिंग बोलते हैं। तो ये है हमारा थ्री मेंबर रिंग, तो ये हमारा थ्री मेंबर रिंग है, ठीक है। इसमें जो चेन बन रहा है वो हमारा क्लोज चेन बन रहा है, और जब चेन क्लोज हो जाएगी तो वो हमारा रिंग बन जाएगा। तो एक रिंग स्ट्रक्चर ही है, दिस इज थ्री मेंबर रिंग, ठीक है। और फोर भी बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द फोर मेंबर रिंग, ठीक है। ये भी रिंग बना है, ये क्लोज रिंग है, चार कार्बन का ऐसे भी स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। तो मतलब जो कार्बन है किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ के, चाहे वो स्ट्रेट चेन बना ले, ठीक है, चाहे वो ब्रांच चेन बना ले, ब्रांचेस निकल सकते हैं उसके, या वो रिंग्स बना ले, थ्री मेंबर रिंग, फोर मेंबर रिंग, फाइव मेंबर रिंग, फाइव मेंबर रिंग भी बनता है बेटा। फाइव मेंबर रिंग में एक हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो फाइव मेंबर या सिक्स मेंबर देख लो, सिक्स मेंबर थोड़ा ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिक्स मेंबर रिंग। तो आप बस यहां पे इनके वैलेंसीज पूरी कर सकते हैं, ठीक है। वैलेंसीज पूरी करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, फोर, तो ठीक है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच है, बाकी यहां पे थ्री जो वैलेंसीज है वो वैकेंट है, तो वहां पे क्या लगेगा हमारे पास, कोई भी मोनोवैलेंट एलिमेंट यहां पे लग सकता है, ठीक है। वैसे यहां पे भी है बेटा, जो ये मैंने ये आपको लाइंस दिख रही है, ये बॉन्ड ही है, मतलब ये कार्बन किसी कोई भी मोनोवैलेंट एटम के एलिमेंट के साथ क्या बना सकता है, वहां पे बॉन्डिंग कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, जस्ट टू मेक इट्स वैलेंसी कंप्लीट। तो उसकी वैलेंसी फोर होती है तो वो चारों तरफ से क्या करेगा, किसी भी एटम के साथ क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये थ्री मेंबर रिंग है, फोर मेंबर रिंग है, सिक्स मेंबर रिंग है, फाइव मेंबर रिंग है, ऐसे पेंटागन भी बन जाता है हमारे पास, ठीक है।
तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाता है, इससे बहुत सारे कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ रहा है, दूसरा तीसरे के साथ, तो वो एक स्टेट चेन भी बना सकता है, वो एक ब्रांच फॉर्म भी बना सकता है, वो रिंग भी बना सकता है। तो इस तरीके से बेटा इस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारे एक्सिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, ठीक है। अब रीजन क्या है इसका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों कैटेनेशन हो रही है, ठीक है। कैटेनेशन तो समझ लिया कि सेल्फ लिंकिंग हो रही है, ठीक है। तो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग हो रही है बेटा दूसरे कार्बन एटम्स के साथ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, बट व्हाट इज द रीजन। तो रीजन देखो क्या है, रीजन फर्स्ट रीजन है इसकी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेटा, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब है इसकी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2.4। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, सिंस इसकी वैलेंसी कितनी है 4, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो दोनों में से कोई नहीं करता। तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी कि जब हम बोलते हैं कि एटम के, कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो क्या करता है, शेयरिंग करता है 4 एटम्स की, अब और 4 एटम्स के साथ वो 4 अदर एटम्स के साथ वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, ठीक है। तो जब वो शेयरिंग करता है तो शेयरिंग करने की वजह से ही कैटेनेशन होता है। कैटेनेशन तभी होगा जब, कैटेनेशन क्या है, इट इज द सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ रहा है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ जुड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो वो कैसे कर सकता है, एक कार्बन के साथ दूसरा लग के दूसरे के साथ तीसरा। तो इस तरीके से जो है कैटेनेशन जो है उसका मेन रीजन ये है कि सबसे पहले इट हैज अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मतलब सिंस कार्बन जो है शेयरिंग करता है, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और शेयरिंग करने के कारण ही वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट था आपका इलेक्ट्रॉनिक, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करता ना, तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ना ही एग्जिस्ट करता, ठीक है। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी एग्जिबिट ये तभी करेगा बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से ही बहुत सारे चेन्स बनेंगे, और उस यूनिक प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। तो फर्स्ट रीजन इज इट हैज यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। द सेकंड रीजन इज इट्स स्मॉल साइज, सेकंड रीजन इज इट्स स्मॉल साइज। जस्ट आपको पता ही होगा कार्बन एटम का जो साइज होता है स्मॉल होता है, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो इसकी जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, सिंस आपको पता है कार्बन एटम का जो साइज है वो स्मॉल होता है, ठीक है। साइज स्मॉल होने की वजह से बेटा क्या होता है, जो प्रोटॉन है जो सेंटर में है न्यूक्लियस में, जो प्रोटॉन्स है वो क्या करेंगे, वो टाइटली हैंड करेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कार्बन, एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयरिंग करेगा, तो उस टाइम पे एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होंगे, वो प्रोटॉन्स इन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखेंगे, जिसकी वजह से जो आपका कार्बन एटम है, या आप बोल सकते हो कि जो चेन है वो स्टेबल रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे चेन बन रहे हैं तो वो चेन टूट जाएगा, नहीं, वो चेन स्टेबल रहेगा, वो चेन टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि कार्बन एटम का जो साइज है बेटा स्मॉल होता है। मान लो ये कार्बन एटम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है बेटा, ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो जब ये एटम किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, तो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, टाइटली हेल्ड करके रखेगा, जिससे हमारा जो बॉन्ड है, जिससे हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड है, जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे कार्बन के साथ, वो कोवलेंट बॉन्ड क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है बेटा। अगर कोवलेंट बॉन्ड मतलब अगर ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ, अगर ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, सेल्फ लिंकिंग कर रहा है, तो उसमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग क्या होगी, उसको ये न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रांगली
भी क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, ताकि इनके बीच का जो ये बॉन्ड है ये स्ट्रांग रहे, ये टूटे ना। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर इस एटम का साइज बड़ा होता, मान लो इस एटम का साइज बड़ा होता, कार्बन एटम का साइज बड़ा होता, तो बेटा ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा फिर कार्बन कार्बन के बीच में, ये अनस्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ये कार्बन कार्बन अपने बीच में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो ये बेटा डिस्टेंस बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड नहीं कर पाएगा, जिससे वो जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड वीक हो जाएगा। बट सिंस जब कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन किसी भी एटम के साथ जब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। सिंस हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड वीक होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड्स, बट जब कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे एटम के साथ, तो वहां पे बेटा क्या होता है, वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग बनता है, स्टेबल बनता है, इसलिए वो चेन टूटता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चेन बढ़ता जा रहा है और वो चेन कहीं से भी ब्रेक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल चेन बनाते हैं, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, ड्यूएट्स ऑल। क्लियर हुआ? तो दो रीजन है कैटेनेशन के। कैटेनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन है, तो ये चेन बनता रहता है। क्यों बनता रहता है? क्योंकि जब चेन बनता है तो ये स्टेबल रहता है। क्यों स्टेबल रहता है? स्मॉल साइज की वजह से, कार्बन एटम के स्मॉल साइज की वजह से ये चेन बनता रहता है, टूटता नहीं है, स्टेबल रहता है। एंड द सेकंड इज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ही ऐसी है कि ये शेयरिंग करता है, क्योंकि आपको पता है कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ठीक है, सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये शेयरिंग करता है, शेयरिंग की वजह से ही बेटा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ये एग्जिबिट करता है। क्लियर हो गया? ये दो रीजन थे आपके कैटेनेशन के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी जो है, दैट इज जो वर्सेटाइल नेचर बनाती है कार्बन का, दैट इज टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। द सेकंड प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। यस, टेट्रावेलेंसी का मतलब आपको पता ही होगा, फोर वैलेंसी, एज यू नो एज कार्बन एटम एज वैलेंसी ऑफ फोर, सो क्या करेगा ये, सो इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड विद फोर अदर कार्बन एटम्स और अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ वो क्या करेगा, फोर मतलब ऊपर नीचे अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, वो क्या करेगा कार्बन एटम्स के साथ या तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, अगर कार्बन के साथ नहीं बना रहा तो फिर वो इसी भी मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल देखो, यहां मान लो ये कार्बन है आपका, ठीक है, सिंस ये इसकी वैलेंसी 4 है तो ये क्या कर सकता है, अपने ये 4 क्या बना सकता है बेटा, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ, मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होगी, जैसे हम हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, मीथेन CH4 ये बन गया। हाँ, अब सिंस इसकी वैलेंसी 4 है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी 4, मतलब चारों तरफ से ये क्या है, किसी भी एटम के साथ क्या कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहां से मान लो यहां से हाइड्रोजन मिला, एक हाइड्रोजन यहां पे क्लोरीन रख सकता है,
ये क्लोरीन को भी लगा सकता है क्योंकि क्लोरीन भी मोनोवेलेंट एलिमेंट होता है, ठीक है, इसकी वैलेंसी वन होती है। तो दो क्लोरीन लग जाएंगे तो कोई और एलिमेंट, कोई और कंपाउंड बन जाएगा। तीन क्लोरीन लग जाएंगे तो कोई और कंपाउंड बन जाएगा। फोर क्लोरीन लग जाएंगे तो कोई और कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरीके से यहां पे आपका फ्लोरीन लग सकता है, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे हाइड्रोजन होगा। फिर दो फ्लोरीन लग सकते हैं तो कंपाउंड कोई और बन जाएगा। थ्री फ्लोरीन लगेंगे तो कंपाउंड कोई और बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारे बन जाते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, फोर। सबसे पहली चीज यही एक रीजन है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। क्यों रीजन, क्या रीजन है? कार्बन की बेटा जो वैलेंसी होती है वो फोर होती है। वैलेंसी फोर होने का मतलब ये है कि कार्बन फोर कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। मतलब फोर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब है वो शेयरिंग कर सकता है विद अदर फोर एटम्स, वो अलग अलग एटम्स के साथ शेयरिंग कर सकता है। मान लो क्लोरीन लग गया, हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन लग गया, तो कोई और कंपाउंड बने क्लोरीन की जगह। क्लोरीन मतलब मोनोवेलेंट एलिमेंट होता ना, तो हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इन सब के साथ वो लग के, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड फोर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी जितनी है फोर, तो ये फोर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। वो कार्बन के साथ बना सकता है, नहीं तो वो किसी मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ बना के क्या बना सकता है, फोर कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो कंपाउंड कोई और बन जाएगा, क्लोरीन के साथ बनाएगा तो कोई और बन जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन सबके साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्मेशन करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड। तो यही रीजन है बेटा कि जो कार्बन है इतने सारे कंपाउंड बना देता है, ठीक है। और आपको पता होगा 5 मिलियन से भी ज्यादा जो हमारे कार्बन कंपाउंड है एग्जिस्ट करते हैं, मोर देन 5 मिलियन, ठीक है। इतने इतने कंपाउंड्स बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के भी नहीं बनते जितने अकेले कार्बन जो है कार्बन के कंपाउंड्स बन जाते हैं। द रीजन इज टेट्रावेलेंसी एंड द सेकेंड रीजन इज कैटेनेशन। तो यही एक ऐसा एलिमेंट कहलावा जो ये दोनों प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट करता है, वन इज कैटेनेशन, अपने आप ही ये चेन बनाता है बड़ी बड़ी, और ये चेन स्टेबल होती है, चेन स्टेबल होती है, अभी बताया रीजन इज जैसे सिलिकन की बात करते हैं, ठीक है, सिलिकन की भी वैलेंसी क्या होती है, फोर ही होती है। तो क्या वो भी सेल्फ लिंकिंग करता है? वो भी सेल्फ लिंकिंग करता है, बट वो इतने एक्सटेंड तक नहीं करता जितने एक्सटेंड तक कार्बन करता है। उसका भी बेटा 6 to 7 सिलिकन एटम्स तक का ही एक चेन बनता है, उसके बाद वो चेन अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? द रीजन इज कि सिलिकन का जो साइज है वो क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से, साइज लार्ज होने की वजह से वो जो बॉन्ड बनेगा सिलिकन सिलिकन के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और जैसे जैसे चेन बढ़ता जाएगा वो चेन कहीं से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जो आपका जो आपकी फॉर्मेशन है चेन की वो कहीं ना कहीं से अनस्टेबल हो जाएगी। तो सिलिकन भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, बट अप टू 6, 7 या 8 सिलिकन एटम्स तक की वो क्या करता है, चेन बनाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्रॉपर्टीज। एक बार दोबारा से आप रीड कर लेना, वीडियो को देख लेना, फर्स्ट इज योर कैटेनेशन, ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग की विद कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द सेकेंड इज टेट्रावेलेंसी, इसकी वैलेंसी फोर होने की वजह से ये फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है विद डिफरेंट डिफरेंट एटम, अलग अलग एटम्स के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। वो ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है, क्लोरीन के साथ बना सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, सबके साथ, बहुत सारे एटम्स के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से बेटा वो बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट वर्सेटाइलिटी।